तो उसे स्टॉप कमांड देना, स्टॉप। वेलकम बैक टू माय चैनल, नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, टू माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स। एक्चुअली ऑलवेज every hour receiving many emails and letters and request to pedal pumping, bare feet pumping, etc. So I'm thinking that's in pedal system ABC, that means accelerator, brake, clutch, etc. Clutch is more important than other system. You know why? Because clutch is a mechanism which is connecting and disconnecting with the engine and wheel. When we pressing the clutch, that means वहाँ पे क्या होता है उनके साथ, जो इंजन के साथ जो व्हील का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो कनेक्शन को जोड़ना और तोड़ना, सो दैट इज द मेन थिंग, और क्लच में ही होता है। जस्ट बिफोर प्रीवियस 5 to 6-7 ईयर्स में जो जितने भी कार यहाँ मतलब हमारे इंडिया में लॉन्च होते हैं, वहाँ पे क्लच का इतना इम्प्रूव्ड जो मेकेनिज्म, इतना इम्प्रूव्ड मेकेनिज्म नहीं रहा। लास्ट 5 to 7 ईयर्स इट इज मच डेवलप्ड देन प्रीवियस ईयर्स। तो वहाँ पे हमने देखा कि क्लच का इतना एक्टिविटीज इतना कुछ नहीं था जो अभी मतलब हम लोग को दिखता है। तो क्लच का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम कभी गाड़ी को मतलब रोकना चाहें, स्टॉप करते हैं, आप कार कहिए या चलती हुई गाड़ी को कहिए या खुद की कहिए, जब हम लोग चलते हैं मोशन में, तो हमें अगर कोई अचानक से पीछे से ऐसे रोक देता है तो क्या होता है, एक जर्क होता है बॉडी में, एक जर्क सा होता है। कार में भी हम चलती हुई कार को अचानक से ब्रेक से ऐसे स्टॉप करते हैं तो उसे स्टॉप कमांड देना, स्टॉप कमांड सडनली। तो स्टॉप कमांड में क्या होना है, एक झटका लगने वाला है, एक जोर का झटका। तो यहाँ पे अगर हम क्लच के साथ ब्रेक का कम्बिनेशन करें तो ये जो झटका है ये थोड़ी बहुत कम होता है, आपको जो गाड़ी का जो अदर्स कंपोनेंट, अदर्स जो पार्ट्स है इंजन का वो स्टेबल रहेगा। नहीं तो अगर आपको लाइफ स्पैन जो है कार का, जो लाइफ स्पैन होता है 5 years, 10 years, 20 years, जो भी होता है लाइफ स्पैन, इट विल डिक्रीज, कम होता जाएगा। क्लच का यूज पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आज मैं लॉकडाउन तो है बताइए आप लोगों को, उतना खास कुछ आना जाना नहीं होता है, तो उसमें हम यहाँ पे आपको क्लच का कुछ मूवमेंट और इम्पोर्टेंस जो मैं करती हूँ वही मैं करूँगी। मैं कोई इतना बड़ा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, लेकिन दैट मीन्स नॉट दैट आई एम अ गुड ड्राइवर। मैं काफ़ी दिनों से ड्राइव कर रही हूँ, ऐसे नहीं है, मैं लास्ट ईयर से बहुत अच्छा ड्राइव कर मतलब थोड़ी बहुत सीख गई हूँ, वही मैं करती हूँ। एक 1.5 साल हुआ है, जस्ट 1.5 ईयर्स मैं थोड़ी बहुत अभी कार चला लेती हूँ। पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले का जो भी है स्कूटी वगैरह का, टू व्हीलर्स का, मुझे बाइक या टू व्हीलर्स का, साइकिल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए हमने क्लच को पूरी तरह से दबाते हुए इस तरह से क्योंकि हमने यहाँ पे हब क्लच यूज नहीं किया। हब क्लच यूज करना गाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात ऐसी नहीं है, लेकिन जब आप हिल स्टेशन में जहाँ पे पहाड़ी वगैरह आप स्टेशन है, अफिल ड्राइविंग में हमें हब क्लच का यूज सबसे ज्यादा करना पड़ता है, या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में हम लोग ड्राइविंग करते हैं, रश बहुत होता है वो उधर, तो हम लोगों को वहाँ पे हब क्लच करना पड़ता है। मैं एक फुल क्लच करके अभी गियर चेंज कर चुकी हूँ, एक नंबर गियर में डाल चुकी हूँ। अभी मैं देखिए ये क्लच है जो हमने यहाँ पे ABC, ये क्लच है, क्लच को मैं जब रिलीज करूंगी, देखिए रिलीज करूंगी तो कार चलती बनेगी, मतलब इंजन के साथ व्हील का जो संबंध है ये टूट चुका है, मतलब डिसएंगेज करना है और एंगेज करना है, इसी एक कॉम्बिनेशन है एंगेज और डिसएंगेज। मैं इन्हीं के जरिए एक ड्राइविंग की सबसे बड़ी बात है एंगेज एंड डिसएंगेज। कब हम ABC किसको एंगेज करें या डिसएंगेज करें ये डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग जो लेफ्ट है लेफ्ट स्पीड से एक्सेलरेट जो क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करना है,
और ए मतलब एक्सेलेटर रेसिंग पर रेस देना है थोड़ी थोड़ी करके। अगर मेरा ज्यादा डिस्टेंस में जाना नहीं है, थोड़े बहुत जाने हैं, तो हम वहां पे एक नंबर गियर से ही थोड़ा सा काम चला लेंगे, उसमें रेस नहीं डालेंगे, मतलब एक्सेल नहीं करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। मैं भी थोड़े थोड़े करके जा रही हूँ, एक नंबर गियर पे जा रही हूँ, तो मुझे ज्यादा रेस नहीं करना। आप देख रहे हो मेरे टो किस तरह से टच कर रहा है, थोड़े थोड़े करके टच कर रहा है मेरे टो, ज्यादा नहीं। इस टच से ही, क्योंकि ये टाटा टिगोर का पावर व्हील का सिस्टम का एक एडवांटेज है, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा रेसिंग की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा मतलब दूर जानी भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे वीडियो के लिए आई हूँ, थोड़ा सा फ्री जगह पे, तो यहाँ पे लोग और भी मतलब कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े थोड़े करके इसे रेस्ट कर रही हूँ, ताकि मुझे सेफ्टी ड्राइव मिले। सेफ्टी ड्राइव के लिए हमें समझना है कि गाड़ी का एक, कार का जो है, चलती हुई गाड़ी का एक लैंग्वेज है, उनका एक भाषा भी है। उन्हें जब आप समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ईजी है। जब तक अगर इसका लैंग्वेज समझ नहीं जाओगे कि किस तरह से चलती है, हवा से चलती है या दौड़ के चलती है या आपके मतलब जो पावर व्हील उससे चलती है, तो आपका घबराहट भी कम होगी। जब घबराहट ज्यादा हो जाए तो ही आपका कार का चलाने का तरीका गलत होता है, तो गलत तरीके से हम गलत तरह से चलाते हैं। तो अभी हम एक नंबर से अभी थोड़े थोड़े करके देखिए मैं क्या कर रही हूँ। क्लच में हमने पैर रखा हुआ है, जरूरत ना पड़े तो किसी भी चीज का मतलब बेमतलब यूज हम नहीं करेंगे। हम थोड़े थोड़े करके रेस कर रहे हैं। बी में मतलब ब्रेक में हमें पैर बिल्कुल नहीं रखा, जरूरत नहीं है तो नहीं रखेंगे। अब राइट फीट से क्या करेंगे, ए और बी मतलब रेसिंग पैडल का एक्सेलेटर और ब्रेक का राइट से यूज करना है। अब क्लच का यूज ऑलवेज लेफ्ट से ही करना है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि लेफ्ट से हम लेफ्ट ब्रेक में चले आए, ऐसी बात नहीं है। मैं आगे पीछे मतलब यही मैं करूंगी, लेकिन एक नंबर में ही करूंगी, क्योंकि यहाँ पे आज काफी लोग आए हुए हैं। वीडियो बनाने के लिए सेफ्टी जगह की जरूरत इसलिए है कि आपको देखना है कि आपके कोई भी काम, कोई भी ड्राइविंग, कुछ भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं खाली मार्ट पे मतलब फ्री जगह पे चली आती हूँ। ये कंडीशन है, ये एक वाहन है, यहाँ इसका काम है यहाँ से वहां तक जाना सेफ्टी से, सेफ्टी तरीके से चलाना या सीखना ही हम लोगों का बड़ी बात है। और देखिए, सीखना लोग सिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी टीचर है आपका रोड, आपका रोड, आपका रास्ता, जहाँ पे आप चलोगे, जो जिस माहौल पे आप चलोगे, वो माहौल आपको समझा देगा या सिखा देगा कि आप कब कितना दोगे, कितना नहीं दोगे, कहाँ पे कितना रखना है और कहाँ पे कितना छोड़ना है। इसका एक्सपीरियंस आपको चलाते चलाते ही होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई टीचर आए और चला दे। और ट्रेनिंग सेंटर में जब जब आप सीखोगे तो आपको वहाँ पे लिमिटेड ही सीखने को मिलेगा। मुझे सिखाया मेरे हस्बैंड ने एक एक करके, मतलब मेरे हस्बैंड इतने अच्छे ड्राइवर हैं कि उसी से मैं सीख चुकी हूँ, मुझे ट्रेनिंग पॉइंट सेंटर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही मेरे अच्छे गुरु है, अच्छे ड्राइवर है। मैं यहाँ पे आज बस थोड़े से पैडल पंपिंग कर रही हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। लॉकडाउन के लिए मुझे मेरे ड्राइविंग की जगह भी नहीं मिलती है, दूर जा भी नहीं पा रही हूँ। हमने ये कहा दोस्तों कि क्लच का फंक्शनिंग सबसे ज्यादा महत्व इम्पोर्टेंट है, क्लच इज मच इम्पोर्टेंट एबीसी में, इज मच इम्पोर्टेंट देन अदर्स। ढलान में हो, व्हील में हो, जहां पे भी हो, क्लच का इस्तेमाल और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल से आप काफी दुर्घटना या काफी प्रॉब्लम से बच सकते हो। देखिए मैं रेसिंग कर रही हूँ, अभी जस्ट फेदर टच, ज्यादा नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन आपको आरपीएम का भी ख्याल रखना चाहिए कि कितने नंबर गियर पे आप कितनी स्पीड दोगे। हमने एक नंबर गियर पे रखा हुआ है, इसलिए मैं स्पीड ज्यादा नहीं दे रही हूँ, थोड़े थोड़े करके, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीड ज्यादा देना खतरे से खाली नहीं है। देखिए मैं अभी एक किसी पेड़ के नीचे या ठंडे जगह पे जाके खड़ी होती हूँ। ये टाटा टिगोर का एग्जिट मॉडल है, यहाँ पे पावर मतलब स्टीयरिंग व्हील का यहाँ पे बहुत ही यूज, अच्छी तरह से उसका लाभ उठाइए, उनका बेनिफिट उठाइए। देखिए मैं बस थोड़ा सा इनका इस्तेमाल किया, बस कार हमने रुकी और इसके बाद मुझे न्यूट्रल में कार को लाना है, न्यूट्रल में।
उसके बाद मैं अपना हैंड ब्रेक दे दूंगी। मैं दे चुकी हूँ, रिलीज कर चुकी हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी ने कहा कि मैं बहुत जोर जोर से इसे मतलब ढकेलती हूँ, ऐसे बात नहीं है। आप कैमरे में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये कार मेरे है, तो मैं इसे बहुत ही केयर करती हूँ बच्चे की तरह, तो मैं इसे जोर जोर से नहीं तो धक्का देती हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो बेयर फुट पेडल पंपिंग। आई होप यू विल एंजॉय, स्पेशली भानु कुमार, जेसिका, मारिया, मेनी नेम्स, एक्चुअली आई फॉरगॉट ऑल नेम्स, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर डे, हॉलीडे, वीकेंड, एक्सेट्रा। नमस्ते।